अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ये कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, कार्ड्स की सीरीज़ को गो थ्रू करते हैं और आज हम होवर स्टैक एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं ऑन दी कार्ड। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आज का लेक्चर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले गाइस, वी आर गोइंग टू क्रिएट टू फाइल्स, यू नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू कनेक्ट बोथ ऑफ देम। तो मैंने ये बहुत दफ़ा बताया है और इसलिए मैं जल्दी से दो फाइल क्रिएट कर लेती हूँ एंड देन इन दोनों के दरमियान हम लिंक क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी। देन फर्दर मोर वी आर वर्किंग ऑन द मैथड। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ऑब्वियसली जो लोग सीरीज़ में ये देखते हैं उनको आइडिया होगा कि हम लोग इसके बाद क्या काम करने वाले हैं। सो बैक ऑन दी बॉडी, सबसे पहले गाइस यहाँ पर एक कार्ड की क्लास बना लेते हैं। इस क्लास के अंदर आप एक इमेज बॉक्स की क्लास बना लें और इसी क्लास के अंदर आपने एक इमेज का सोर्स गेट करना जो आप पिक्चर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो सोर्स की जगह मैं फ़िलहाल लेफ्ट कर देती हूँ क्योंकि हम ऑनलाइन गेट कर लेंगे। इसी के साथ साथ गाइस आप इस डिव से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आप एक अगेन क्लास लेंगे डिटेल्स के नाम से और इस क्लास के अंदर यू कैन टेक H2। तो यहाँ पर हम एक H2 की हेडिंग ले लेते हैं और वहाँ पर आप जो भी पिक्चर लेंगे उसके हिसाब से यू कैन राइट हियर सम टैग्स। सो जो पिक्चर लेंगे उसके हिसाब से हम इसके ऊपर वर्क कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक इसको होल्ड कराते हैं। सो मूव ऑन दी CSS मैथड, तब हम CSS पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो मैथड हमारे पास है वो है कार्ड। तो सबसे पहले आपके पास कार्ड की क्लास है, यहाँ पर पोजीशन जो है वो रिलेटिव रखेंगे, विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं 500px एज वेल एज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हाइट 500px। बैकग्राउंड कलर हम वाइट रखेंगे, तो यहाँ पर आप कलर कोड देना चाहें या आप कलर नेम लिखना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉर्डर रेडियस इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कि 3px बहुत है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड आप कार्ड का गो थ्रू करेंगे जब अपनी वेबसाइट्स में ऑब्वियस यूटिलाइज कर सकते हैं। सो मार्जिन 0 एंड ऑटो रखूँगी एंड द बॉक्स शैडो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले रख रही हूँ मैं 0, 3px, देन 10px, RGB एक कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं जिसमें रेड भी 0 लेंगे, ग्रीन 0, ब्लू 0 और उसके बाद 0.2 alpha, 0.2 लिखना चाहें या 0.2 डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ कार्ड की क्लास के ऊपर हम सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर देते हैं बिफोर की और यहाँ पर कॉमा लगा कर गाइस कुछ ऐसे सेटिंग्स भी हैं जो हमें आफ्टर में भी इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पर भी हम आफ्टर ले लेते हैं और दोनों के ऊपर कुछ सेटिंग्स जो हैं वो सिमिलर हैं उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कॉन्टेंट पर आ जाते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट, पोजिशन को हम रख लेते हैं एब्सोल्यूट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन सेट को हम रख लेते हैं 0। इसी के साथ साथ विद हम रखते हैं 100% एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हाइट एज वेल 100% एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर रेडियस। आई थिंक 3px इज क्वाइट इनफ। बैकग्राउंड अगेन हम वाइट रख देते हैं। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट बॉक्स शैडो अप्लाई कर देते हैं। सेम प्रॉपर्टी है 0, 3px एंड अगेन 10px, RGB ये कलर और RGB में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर सेम मेथड वही इम्प्लीमेंट कर देंगे,
इसी के साथ साथ जेड इंडेक्स को हम -1 रख देते हैं एंड देन ट्रांजिशन को हम 0.5 सेकंड कर देते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कार्ड होवर एंड देन प्रोवाइड हियर आफ्टर। ठीक है जी, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट 10 डिग्री। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम लगाते हैं बिफोर पे कार्ड होवर आफ्टर की जगह, गाइज मैं इसको बिफोर कर देती हूँ। ओके, सो बिफोर पे अगेन ट्रांसफॉर्म रोटेट 20 डिग्री। ठीक है जी, बहुत ही नाइस इफेक्ट आएगा, आप देखिएगा, आपको बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा इफेक्ट। ऑन द नेक्स्ट क्लास इर्सा कार्ड, कार्ड में आपने इमेज बॉक्स क्रिएट किया है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पोजीशन को हम रखते हैं एब्सोल्यूट, इसी के साथ साथ इनसेट को हम कर देते हैं 10px एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बैकग्राउंड। यहाँ पर आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट कलर कोड, कलर कोड में यहाँ पर लिख देती हूँ थोड़ा ग्रे की साइड पर है। इम्प्लीमेंट द जेड इंडेक्स 1 एंड देन प्रोवाइड ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, या चलें 5 सेकेंड कर लेते हैं, 3 सेकेंड बहुत कम हो जाएगा, 5 सेकेंड। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। अब हम आते हैं डॉट कार्ड होवर एंड देन इमेज बॉक्स की क्लास में। सो यहाँ पर सबसे पहले बॉटम को आप रख लें गाइस 75px। मूव ऑन द नेक्स्ट, आप कार्ड के अंदर जो आपने इमेज बॉक्स लिया है उसके अंदर जो आप इमेज गेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक इमेज गेट नहीं करी है, उसकी सेटिंग में प्रोवाइड कर रही हूँ। पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रहेगी, टॉप जो है वो 0, लेफ्ट भी हम 0 होल्ड करा देंगे विद वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट 100%। इसी के साथ साथ हाइट भी हम 100% रख लेते हैं इसकी एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट फिट, जो भी पिक्चर लेंगे आप वो कवर के तौर पे पूरी फिल हो जाएगी। ठीक है जी, मूव ऑन द नेक्स्ट। सो कार्ड के अंदर हमने एक डिटेल क्लास बनाई थी, अब उसको यहाँ कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन को हम रखते हैं एब्सोल्यूट, लेफ्ट को हम रखते हैं 10px, राइट भी हम रख देते हैं 10px। सो बॉटम को भी हम 10px ही ले लेते हैं। ठीक है जी, सो बैक ऑन दी हाइट 55px। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब डिटेल के अंदर गाइज आपको याद होगा हमने कि H2 की हेडिंग ली थी, क्योंकि मुझे क्लास चेक करने की नीड नहीं है, मैंने एब्रीविएशन किया हुआ है, एक्सटेंशन की हुई है, दैट्स वाई। सो मार्जिन टॉप 5px, इसी के साथ साथ पैडिंग हम रख लेते हैं 0 एंड आफ्टर दैट फॉन्ट वेट हम रख देते हैं 900 और कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं फॉन्ट का, जो कि कलर कोड यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ हैश। ओके, टैक्स अलाइन हम रख लेते हैं सेंटर
लाइन हाइट हम रख देते हैं 1 point. I just required a line height. Sorry, it's a line height, not the list. Line height में रख देती हूँ guys 1.15 em. Move on the next. अच्छा, स्पैन का हमने नहीं लिया, मैं भी लूँगी स्पैन का डाई क्योंकि मैंने टैक्स वहाँ लिखा नहीं है डिटेल के अंदर, तो वहाँ एच टू के बाद हम एक स्पैन का डाई लेंगे. ठीक है जी, मैंने ऑन होल्ड पे रखा है क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं पिक्चर क्या लगाऊंगी उस पर. ठीक है, फॉन्ट वेट 400, फॉन्ट साइज 15px, प्रोवाइड द कलर. कलर हम यहाँ पर कोड लिख देते हैं 666, और डिस्प्ले को गाइज हम कर देते हैं ब्लॉक. तो यहाँ तक हमारा काम फिनिश हो गया. अब हम पिक्चर लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं टेक्स्ट को और पिक्चर को इफेक्ट कैसा रहेगा. ठीक है, सो गाइज यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर पिक कर लूँगी और देन आई एम गोना इम्प्लीमेंट ऑन माई डिज़ाइन. सो मैं ओके, मैं इसको विजिट करती हूँ. ओके फाइन, इसको लेफ्ट क्लिक करते हैं गाइस एंड देन यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस पे आप क्लिक कर देंगे. देन बैक ऑन योर कोड और यहाँ पर आकर उसको आप पेस्ट कर देंगे. ठीक है जी, इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर हम हेडिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं लाइक Amazing view. अब यहाँ पर जो स्पैन का टैग है वो मैं ओपन कर लेती हूँ एंड आई क्लोज दिस. और यहाँ पर कोई भी जगह का नाम लिख लें, मर्जी है. बस मैंने कोई भी रैंडमली टैक्स ऐड कर दिया है. सो रिज़ल्ट शेयर करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आया है. सो इसको व्यू करा देते हैं आपको और नाइस सा रिज़ल्ट जो है इसका हम आपके सामने रिवील करते हैं. सो मैं इसको रन करवा रही हूँ फायरफॉक्स में. सो नाउ गाइस द रिज़ल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. जैसे ही कर्सर लिखे जाएंगे बहुत ही नाइस सा इफेक्ट आपके सामने देखें प्रीव्यू हो रहा है. और आई होप इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू डिज़ाइन द कार्ड. सो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. मिलते हैं अनदर इन्फॉर्मेटिव एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ. जब तक अल्लाह हाफ़िज़.